तुम पहन लो ना, तुम्हें तो फिट नहीं आती, ये प्रॉब्लम है। एक तो बहन जो मोटे लोगों के लिए कपड़े बने ही नहीं, मतलब डबल एक्सेल ऐसी है कि जो ये मीडियम लार्ज पहनती उसको डबल एक्सेल आती है। सही है गाइस, मोटे लोगों को ना सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ फनी होना पड़ता है, वो भी अपन थोड़ा सा माइल्ड ही है। टीवी पे अच्छा दिखता है ज़ेन, क्लोज अप आता है, सब आता है। तुम्हें पता है ना सीडी में भी टीवी होता है? हाँ पता है। का कैसे पता है? देखा है फुटेज में। हम अगर आ गए टीवी पे देन मजा आएगा। गाइस एक और इंडिया की जर्सी है मेरे पास, which was essentially bought in for Ankush for one of our shoots. अबे सुन ना, सुन 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 सुन। एक बात तो बता। अनुष्का शर्मा की नई मूवी का नाम सुविधा का क्यों है? क्यों है? अबे ताकि जब तुम हारो तो तुम्हारी सिल सके। वो चोरी करके ले आया क्योंकि मुझे इंडिया की जर्सी चाहिए थी। कभी मैं उसमें फिट तो हो नहीं पाया बिकॉज अंकुश काफी पतला है, तो आज मैं उसको ले जा रहा हूँ। आई हैव अनदर कजन जो जिसको मैं पकड़ा दूंगा, अगर वो देखना चाहे तो वो जर्सी अगर उसमें फिट है वो पहन सकता है। हम पहुंच गए क्या जैन? हाँ ये देखो, ये जात हो रहा है क्विंटन डिकॉक। कैसा हाल पूछ रही हो? मेट्रो से इन पे वेट कर रहे हैं गाइस हम लोग। क्यों गाइस? अब ऐसे चूतिया लेट है। 2 seconds later. कहाँ रह गया साला? कह रहा 10 मिनट पहुंचा, 10 मिनट है भैया पहुंच रहा हूँ। वो देखो भाई सामने कौन आ रहा है? इमरान ताहिर। ऐसे नहीं बोलते। क्यों ऐसे क्यों नहीं बोलते? मैं मुसलमान हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तुम नहीं बोल सकती हो। ये आया फ्रेम में। क्या है भाई इमरान ताहिर? वो खेल रहा है जैन। कौन? यूजी। हाँ खेल रहा है, उसकी बीवी भी आएगी। तो आएगी धनश्री? हाँ आएगी, चल बात करने। तुम्हारे साथ नहीं बैठी होगी वो। क्यों? उसके पति का पैसा, तुम्हारा पति पक्कड़ है। बात तो सही है। तो हमें क्यों देख रहे हैं? सब क्यों देख रहे हैं हमें? सबको लग रहा है देखो देखो क्यों देख रहे हैं? लग रहा है मिताली राज बैठी है। मिताली राज रिटायर हो गई। मैम रिटायर हो गई, यहाँ गाड़ी में बैठती मोटे लौंडों के साथ, इंतजाम के साथ चिल करती है मिताली राज। हेलो तुम कहाँ हो? मैं उस साइड क्या होता है? भाई जो जो रोड उधर जिस तरफ मेट्रो स्टेशन है ना, उस तरफ हो तुम? अच्छा ठीक है उसी तरफ हो, ठीक है आ रहा हूँ। जिस तरफ मेट्रो स्टेशन है उस तरफ आओ। चेहरा इस तरफ आओ कि उस तरफ आओ? उसके बाद कह रहा है वो रस्ते पे हो जो नोएडा की तरफ जाते हैं कि दिल्ली की तरफ? भाई दोनों रास्ते नोएडा की तरफ, दिल्ली की तरफ जाते हैं। उधर से भी दिल्ली जाता है, उधर से नोएडा भी जा सकते हैं। नहीं जिन्ना नू मेरी हसल बताओ। हाय हाय ज़ेन। वो तो नहीं है वो जो ऊपर से उतर रहा है ये? पहले तो अलग लगता था। नहीं ये कोई और है ज़ेन। कोई और लग रहा है ना? हाँ वो आ रहा साला। हाँ ज़ेन पूरा होना आ रहा है। ज़ूम करो साले पे। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। ऐसे यार तुम भागते हो। साहब बोल गया मैं देखने जा रहा हूँ। हाँ हो गया भाई, ऐसी ऑफिस में नौकरी लगवा भाई। सौरभ की नौकरी लगी है बुको, समझी? उसे डेली 500 रुपए का कूपन मिलता था मेट्रो से डेली। बहुत अच्छी नौकरी है भाई। ये होती नौकरी इसकी बात है? हम लोग को महीने में एक बार सैलरी मिल जाए वो भी बहुत ज्यादा लगती है। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। बाहर जा रहे हैं? बाहर कानपुर। छोटे लोग गरीब लोग हैं जो कानपुर कानपुर कहा जाएंगे भाई, कानपुर बाहर होता है। मतलब कानपुर कानपुर ही जाते हैं आप? कानपुर जाते हैं? कानपुर नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ दुबई। दुबई? ओ माय गॉड। क्यों हिला डाला ना? अपनी गाड़ी से आए बहुत दूर तक, वहाँ खड़ी करी, अब ऑटो में आ रहे हैं मैच देखने। लेकिन
सारा दारो मदार तुम्हारी और तुम्हारी जर्सी पर है। क्यों? भाई इस जर्सी का 100% फेलियर रिकॉर्ड है। पहली बार पहनी गई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दूसरी बार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद से नहीं पहनी। आज तीसरा बार है। लेट्स सी। ये आगे बंद करो, ये तुम मैजिक करके लाई हो। भाई अब तो टीवी पहना डिजर्व करती हूँ। I'm so happy to bring you here. It almost feels like I have brought you to my school or my college. This is what it feels like to see cheer a match for India. हाँ भाई क्या हाल है? अब जाके सुकून हुआ। मैं जो बहुत ही बुरा माहौल था यार। गाइस फाइनली स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं, विच आई विल डिस्क्राइब वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। दिल्ली पुलिस DGCA वर एब्सोल्युटली हेलबेंट ऑन डूइंग एब्सोल्युटली फकिंग नथिंग। आई रिस्क दिस एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ डेफामेशन नोटिस। चाहे दिल्ली पुलिस मुझे नोटिस भेज दे, चाहे DGCA मुझे नोटिस भेज दे, इतना बुरा इंतजाम मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा है। You literally had to fight for your life to get inside the theater, stadium. ना कोई लाइन थी, ना कोई क्यू है, ना कोई मैनेजमेंट है, एक लेडी कॉन्स्टेबल नहीं है। पुलिस वालों को बोल रहे हैं कुछ करो, तो इतना कर देते हैं, स्माइल दे देते हैं। मैंने कही तो कपिल शर्मा भी दे देगा। कुकू हाउ वाज योर हॉरिबल एक्सपीरियंस? हॉरिबल टू द टी। एक इंसान नहीं था, लाइक आई हैड टू लिटरली फाइट, पीपल वर पुशिंग, लाइक आई वाज गेटिंग स्क्विश्ड लाइक अ सैंडविच। भाई जनता आ रही है मुंह पे झंडे बना के, सबके मुंह पर बने तो तिरंगे थे, जब तक बाबा था पर्पल हो चुका था तीनों कलर। भैया पूरे मेरे को चैनी कहनी है, जरा सा वो है क्या है? क्यूट यार, क्यूट चैनी चैनी थम्स अप यार, क्यूट। वो देखे मीम जिसमें अवार्ड फंक्शन मिल रहा होता है, एक हाथ एक आदमी यूं ही ले जा रहा था हीरोगिरी इसने ये देने में। क्या हुआ, तुम तो सैंडविच ले रहे थे, क्या हो गया? तो भाई ना भाई 1500 रुपए का टिकट ले लिया, 150 की सैंडविच पड़ रही है, वो तुम खा लोगी? तुम तो बिल्कुल ही खा लोगी, खा लेंगे, पूछने की बात ही नहीं है। 250 रुपए को बोलेगी दैट्स चीप। तो इंतजाम भी बहुत ज़्यादा बैड, नो टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड सीट्स। क्वाइट अ बैड स्पेस भाई, दो बैक टू बैक चक्कर मारे हैं शाम के शाम में, लाइव में मजा आ गया। ये राजी बैठिया, लगेगा लगेगा क्या स्कोर बना? 211/4, नॉट बैड, यूजी वन टिकटॉक। ये देखिए गाइस किस तरह का इंतजाम है, लोग खड़े हुए हैं बुरी तरह चिपक चिपक कर, इतनी बुरी तरह लोग खड़े हुए हैं, और हर स्टैंड में यही हाल है, यही हाल है, इधर भी यही हाल है, मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये बिग गई है DGCA, यहाँ लोगों को सांस नहीं आ रही है, वो भाई पावाजी ले रहे लगे हुए हैं, ये देव है इसके यहाँ पब्लिक का, अगर सांस आने की जगह नहीं उसकी टेंशन है, मेरी पावाजी गिर जाएगी। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई सकुशल आगे पहुँच गए पावाजी लेकर, पावाजी चल रही है। अरे भाई एक भाई और है इसका, दूसरा भाई तो यही रह गया पावाजी लेकर। ₹100
$100 का है कह रहे 100 रुपए का है। काफी बढ़िया व्यू है मेरा, काफी देर से मैं यही देख रहा हूँ। गाइस बाहर के सब इंतजाम तो बेकार है, लेकिन जोमेटो की डिलीवरी का इंतजाम कर रखा है। ये देखो भाई कह रहा सर मैं आ गया हूँ आपको ऑर्डर लेके। गंदी बोलती ना, जो कुछ बढ़िया है ऐसा लग रहा है जनरल क्लास में बैठी रेड प्लेन होता नहीं। आज पास वाले मुगले भी खिला रहे हैं बिना मांगे सजेशन भी दे रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, अब तो फुल लेंथ भी फेंक रहा है। क्या अब तो फुल लेंथ भी फेंक रहा है, क्या बताएं भाई, अब तो कुछ कंफ्यूज हो रखे कि ये क्या होगा। शाबाश शाबाश, 4 डॉट बॉल भाई। क्या लगता है मैच गया? अरे पैसा बर्बाद। चेयर कर रहे हैं यार, लौंडे गिरे जा रहे हैं यार। मैच कैंसिल, मैच कैंसिल, मैच कैंसिल। बॉल नहीं देना, बॉल नहीं देना भाई। यार मिल गई यार, समझ नहीं जा रही भाई, समझ नहीं पब्लिक। मूवी और हर्षद पटेल ने जो ओवर डाले माशाल्लाह, वाह। तोबा 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 तोबा, बहुत बुरे लग रहे भाई वाला साला। अंपायर्स कॉल यार, अंपायर्स कॉल। अरे आउट था यार अंपायर भाई, आउट था यार। हम लोग को तो बुरा लग रहा है, वो लग रहा है असली बुरा तो लग रहा है भाई इस भाई को। बाल बाल मस्त कटा कर रहा है आज। वीडियो वीडियो पे आएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। असली बुरा तो लग रहा है भाई इस भाई को। बाल बाल मस्त कटा कर रहा है आज। वीडियो वीडियो पे आएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यार बहुत से लोग कहते हैं कि हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता। हार से बुरा लगता है, क्योंकि आज यहां स्टेडियम में जितने लोग कुछ छूट सच कुछ जुगाड़ करके कुछ पैसे खर्च करके कुछ लड़ झगड़ के अंदर आए हैं, इनकी आज की स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। बट आई गेस दैट्स हाउ लाइफ इज, एंड दैट इज व्हाई स्पोर्ट्स इज क्लोजर टू लाइफ देन सिनेमा। बिकॉज अनलाइक सिनेमा, लाइफ में और स्पोर्ट्स में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू विन, बट इट टेक्स एन इवन मोर अमाउंट ऑफ करेज टू लूज एंड स्टैंड अप अगेन, एंड दैट is what I learned from cricket, and that is why I love it.